टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग इक्वेशन और हमने आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक करने के लिए दिया था। अकाउंटिंग रेशियोस हमने आपके साथ जो रेशियो डिस्कस की थी बेटे वो रेशियो थी करंट रेशियो। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। और बेटे ये आइडियल रेशियो थी हमारे पास 2:1। अब बेटे हमारे पास सेकंड रेशियो जिसकी हम आज डिस्कशन करेंगे उसको कहा जाता है लिक्विड रेशियो। या हम उसको कहते हैं क्विक रेशियो। या बेटे उसका तीसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। बेटे ये रेशियो इस बात को कैलकुलेट करती है कि किसी भी एंटरप्राइज की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पे करने की एबिलिटी क्या है। हम यहां पर ऐसे दो वेरिएबल्स को काउंट नहीं करते हैं जिसको हम लोग करंट एसेट्स में काउंट करा करते थे करंट रेशियो में कैलकुलेट करते वक्त। हम उसको यहां पर लिक्विड रेशियो के अंदर काउंट नहीं करेंगे। बेटे इसमें सबसे पहला वेरिएबल है स्टॉक। स्टॉक के अंदर अगर हम लोगों ने पैसा ब्लॉक किया हुआ है तो लिक्विड रेशियो कहती है कि साहब हम ऐसी एसेट्स की बात करेंगे जो एकदम लिक्विड फॉर्म में है। स्टॉक कब तक बिकेगा कब तक नहीं बिकेगा उसका कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। तो लिक्विड रेशियो के अंदर जो लिक्विड एसेट्स की बात की गई है तो वहां पर रेडी टू मूव एसेट्स की बात की गई है जो एकदम रेडी होते हैं कैश में कन्वर्ट होने के लिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर करंट एसेट्स में से ऐसे दो वेरिएबल्स को इग्नोर करेंगे जिसको हम लोग ऊपर करंट रेशियो के अंदर करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड किया करते थे। ओके सर, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। लिक्विड या क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज हम इसको क्विक एसेट्स भी कहते हैं। तो बच्चे याद रखेंगे लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब बच्चों अगर हम लोग अपनी करंट एसेट्स में से स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो हम लोग लिक्विड एसेट्स पर पहुंच जाते हैं।
अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अंदर कि आपको प्रीपेड एक्सपेंस दिए गए हैं या नहीं दिए गए। अगर नहीं दिए गए हैं तो आप उसको इग्नोर कर देंगे। एक और बात आपको यहाँ याद रखनी है कि हम लोग स्टॉक को इन्वेंट्रीज भी कहते हैं। हम लोग स्टॉक को इन्वेंट्रीज भी कहते हैं। जल्दी नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट बेटे। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। तो सर पहले तो हम लोग सबसे पहले लिक्विड एसेट्स निकालें। चलो आप पढ़ाऊंगा एक बार थोड़ा सा ना योगा कर लो पर भी घर जा। लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स हैं 2 लाख की माइनस 50,000 माइनस 10,000 140,000। सीधा फॉर्मूला लगा दो बेटे। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज 140,000 डिवाइडेड बाय 70,000 करंट लाइबिलिटीज आपको गिवन है 2:1। बेटे ये आइडियल लिक्विड रेशियो नहीं है। आइडियल लिक्विड रेशियो जो है ना वो 1:1 है। आइडियल लिक्विड रेशियो वन इज टू वन। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बच्चे। क्विक एसेट्स 1,50,000 स्टॉक 40,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 वर्किंग कैपिटल 1,20,000। ओके सर कैलकुलेट करंट रेशियो। ठीक है सर। बेटे सबसे पहले तो आप लिक्विड एसेट्स आपको गिवन है मतलब क्विक एसेट्स गिवन है। आपको क्विक एसेट्स गिवन है 1,50,000 रुपए की। बेटे आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है करंट रेशियो निकाल देना। तो कैलकुलेट करें आप लोग सबसे पहले करंट एसेट्स क्विक एसेट्स प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। क्विक एसेट्स 1,50,000 स्टॉक 40,000 प्रीपेड एक्सपेंस 10,000। दो लाख
बेटे वर्किंग कैपिटल आपको दिया हुआ है, बच्चों को पता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज वर्किंग कैपिटल आपको दिया हुआ है 1,20,000, करंट एसेट्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 2,00,000, करंट लाइबिलिटीज निकालना है। तो करंट लाइबिलिटीज आ गया 2,00,000 माइनस 1,20,000, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज दो लाख डिवाइडेड बाय 80,000 2.5:1 आपके पास आंसर आ गया। अरे सर बेटे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। बेटे क्वेश्चन नंबर 19 आपको करने के लिए दिया, मुझे लगता है होप आप लोगों ने कर लिया होगा। 5:1 आनी चाहिए आंसर। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज 3,00,000 माइनस 60,000 2,40,000 करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल 3,00,000 माइनस 2,52,000 48,000 क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज 2,40,000 डिवाइडेड बाय 48,000 5:2। बेटे करंट रेशियो आपको 3:1 दी हुई है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज 3:1। आपको इन्वेंट्री निकालनी है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करंट लाइबिलिटीज आपको गिवेन है क्वेश्चन में 6,00,000। करंट एसेट्स आ गया 3 × 6,00,000
18 लाख आपको लिक्विड रेशियो गिवन है। लिक्विड रेशियो गिवन है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, ये आपको गिवन है बेटे 1:1। लिक्विड एसेट्स अपॉन में 6 लाख, लिक्विड एसेट्स आ गया 6 लाख, स्टॉक क्या होता है बच्चों, इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। 18 लाख माइनस 6 लाख स्टॉक आ गया 12 लाख। स्टॉक की वैल्यू आ गई 12 लाख। क्वेश्चन नंबर 21। करंट रेशियो 3.5:1, क्विक रेशियो 2:1। इफ द इन्वेंट्रीज इज ₹24,000, कैलकुलेट टोटल करंट लाइबिलिटीज एंड करंट एसेट्स। ओके, करंट रेशियो है बेटे 3.5:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थ्री पॉइंट फाइव करंट लाइबिलिटीज, क्विक रेशियो 2 current liabilities आपको पता है सब बच्चों को। करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स इज इक्वल टू स्टॉक। करंट एसेट्स से निकाला हमने 3.5 CL, क्विक एसेट्स है हमारे पास 2 CL, स्टॉक है हमारे पास कितना बच्चों 24,000। वन पॉइंट फाइव सी एल इज इक्वल टू 24,000, सी एल इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5। करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू आपके पास आ गई 16,000। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3.5 CL, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3.5 इंटू 16,000
56,000 क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 एक्स लिमिटेड X Limited has current ratio of 4.5:1 and a quick ratio of 3:1. If its inventory is rupees 36,000, find out current assets and total current liabilities. मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए. सेम क्वेश्चन है बेटे, सेम क्वेश्चन है. आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. क्वेश्चन 22 आप आराम से कर सकते हैं. क्वेश्चन 23 भी आप आराम से कर सकते हैं. सेम क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 आप आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी. हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं. करंट लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर रुपीज 1,50,000. इट्स करंट रेशियो इज 3:1 एंड एसिड टेस्ट रेशियो इज 1:1. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री. तो बच्चों को गिवन है, लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज आपको कितना गिवन है? 1,50,000. लिक्विड एसेट्स आ गई 1,50,000. करंट रेशियो है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. सर हम लोगों को करंट लाइबिलिटीज तो गिवन है. हाँ बेटे, 1,50,000. तो करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 4,50,000. सर स्टॉक होता है हमारे पास करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, या हम उसको इन्वेंट्री कहते हैं. साढ़े 4,50,000 माइनस 1,50,000 3,00,000. हमें करंट एसेट्स निकालना था, लिक्विड एसेट्स निकालना था और स्टॉक की वैल्यू निकालना. क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी से रीड आउट करें.
एक्स लिमिटेड लिक्विडिटी रेशियो 2.5:1, इन्वेंट्री 6 लाख रुपए की है, करंट रेशियो 4:1 है। आपको करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बच्चों को करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको लिक्विड रेशियो गिवन है, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज 2.5:1। Liquid assets is equal to 2.5 CA. Current ratio is equal to current assets upon my current liabilities. क्रॉस मल्टीप्लाई करें, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4 करंट लाइबिलिटीज, आपको पता है बेटे लिक्विड एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, लिक्विड एसेट्स की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट करी है 2.5 CL इज इक्वल टू, CA की वैल्यू है 4 CL माइनस स्टॉक, स्टॉक आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 6 लाख। बेटे हम स्टॉक बोले या इन्वेंट्री बोले एक ही बात होती है, 6 लाख इज इक्वल टू 4 CL माइनस 2.5 CL इज इक्वल टू 1.5 CL, CL is equal to 6 lakh divided by 1.5, so 6 lakh divided by 1.5 4 lakh. करंट लाइबिलिटीज आ गई 4, क्वेश्चन नंबर 26, करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी आर रुपीज 5 लाख, इट्स करंट रेशियो इज 2.5:1 एंड क्विक रेशियो इज 1:1, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटीज लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री। ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे बेटे, होमवर्क लिखते हैं इसके ऊपर, ये आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, वर्किंग कैपिटल रुपीज 3,60,000, टोटल डेप्ट 7,80,000, लॉन्ग टर्म डेप्ट 6 लाख, इन्वेंट्रीज 1,80,000, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। सर कल हमने एक फॉर्मूला देखा था करंट लाइबिलिटीज का, और वो था टोटल डेब्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट, 7,80,000
माइनस 6 लाख, 1 लाख 80। करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल। करंट लाइबिलिटीज 1,80,000, वर्किंग कैपिटल 3,60,000, पांच लाख 40,000। करंट एसेट्स 5,40,000, लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज पांच लाख 40,000 माइनस 1,80,000, 3,60,000। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज तीन लाख 60,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 2:1। क्वेश्चन नंबर 28 इंपॉर्टेंट लिखेंगे बच्चे। क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। स्टेट गिविंग रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वुड इंप्रूव रिड्यूस नॉट चेंज इन द क्विक रेशियो। नीचे कुछ ट्रांजैक्शन दी गई है आपको, आपको ये बताना है कि उन ट्रांजैक्शन की वजह से क्विक रेशियो इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी या कोई चेंज नहीं आएगा। आपको जो क्विक रेशियो गिवन है वो 2:1 गिवन है। बेटे आप यहां पे एज्यूम कर लें, लेट लेट करंट लाइबिलिटीज क्विक एसेट्स 20,000, ये मैंने एज्यूम किया है बेटे। एज्यूम मैं इस रेशियो के अकॉर्डिंग करूंगा क्योंकि आपको पता है क्विक रेशियो क्या होती है, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। अगर ये मेरे को 2:1 दी है तो मैंने क्या करा, मैंने करंट लाइबिलिटीज को 10,000 एज्यूम किया, लिक्विड एसेट्स को 20,000 एज्यूम किया। देखो रेशियो कितनी आ गई 2:1। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग हम इसको एज्यूम करेंगे, हम रेशियो के अकॉर्डिंग इन वेरिएबल्स को एज्यूम करते हैं। अब हमारे को पॉइंट नंबर ए दिया गया, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹5,000। सर जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं कैश में तो दो इफेक्ट होते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में,
एक तो स्टॉक प्लस होता है और एक कैश माइनस होता है। तो बेटे लिक्विड एसेट्स के अंदर हम स्टॉक को तो इग्नोर करते हैं, तो इसको तो भूल जाओ, इसको तो हम लोग इग्नोर करते हैं। कहां पर? लिक्विड एसेट्स के अंदर हम इसको काउंट ही नहीं करते, तो स्टॉक की बात तो भूल जाओ। लेकिन दूसरा इफेक्ट मेरे पास कैश में आया, और कैश जो है वो पार्ट होता है लिक्विड एसेट्स का, कैश इज अ पार्ट ऑफ लिक्विड एसेट्स। ठीक है बेटे, यानी सर कैश हमारे पास से कम हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? ये आपने 20,000 एज्यूम किया था, यहाँ पे आपने 10,000 एज्यूम किया था, लाइबिलिटीज में तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन यहां से कैश कम हो गया 5,000, तो न्यूमरेटर में वैल्यू रह गई 15,000, डिनोमिनेटर 10,000, रेशियो आ गई 1.5:1। आइडियल रेशियो होती है 1:1, आप पहले चल रहे थे 2:1 पे, अब आप कम हो गई है बेटे 1.5:1 पे आ गए, तो यानी आप की रेशियो कम हो गई है, 2:1 से आपकी रेशियो कम हो गई, 10 द क्विक रेशियो। दस द क्विक रेशियो वुड रिड्यूस। जल्दी नोट करें, पार्ट बी में लिखा हुआ परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स परचेज करें बेटे क्रेडिट में, बेटे ये भी मैंने एज्यूम ही किया है 5,000 रुपए, आप कोई और वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लिखा हुआ परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सर क्रेडिट पे परचेज किया अगर हम, तो सर दो चीजें होंगी, करंट एसेट्स में तो स्टॉक आ जाएगा जिसको हमें इग्नोर करना है, और करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स प्लस हो जाएंगे। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर्स प्लस हो जाएंगे, यानी आपकी करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। लेट परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 5,000, न्यू क्विक रेशियो, लिक्विड एसेट्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया, 10,000 प्लस 5,000 20,000 डिवाइडेड बाय 15,000 4/3, सर ये तो और ज्यादा इंक्रीज हो गई, 4/3 नहीं रिड्यूस हो गई, 4/3 1.33:1। दस द क्विक रेशियो वुड रिड्यूस। पॉइंट नंबर सी, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹11,000, आपने 10,000 की कॉस्टिंग के गुड्स 11,000 में सेल कर दी,
अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ बेटे, 10,000 रुपीज के गुड्स आपने 11,000 में सेल करें, नहीं 4 रुपीज 10,000 ये, सॉरी 11,000 नहीं है, 10,000 के गुड्स 10,000 में ही सेल करें, यानी सर आपको कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। If sale of goods costing rupees 10,000 for rupees 10,000 आपने 10,000 रुपए की कॉस्टिंग के गुड्स 10,000 में ही सेल कर दिए बच्चों, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा आपको, स्टॉक यहां से माइनस होगा नहीं क्योंकि बेटे क्विक रेशो की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 20,000 की लिक्विड एसेट्स हैं, जो कैश मेरे पास आया 10,000 का प्लस हो गया, कैश प्लस हो गया, करंट लाइबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, 30,000 डिवाइडेड बाय 10,000 क्विक रेशियो वुड इंप्रूव, अगर हम लोग 10,000 के गुड्स 11,000 के अंदर सेल करें, If sales of goods costing rupees 10,000 for rupees 11,000 new quick ratio लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज 20,000 प्लस कैश प्लस हुआ 11,000, करंट लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं आया, इकतीस हजार डिवाइडेड बाय 10,000 3.1:1 The quick ratio will improve. बेटे ई पार्ट आप लोग करेंगे, ई पार्ट आप लोग करेंगे बेटे, ई पार्ट आप लोग करेंगे। अब आगे के बचे जो क्वेश्चन है 29 से लेकर 34 वो भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है।